आगे बढ़ते हैं। गिरिराज धरण की यात्रा पदयात्रा पर जाने वालों को अब कोई कठिनाई नहीं होगी। सीएम राजे के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अब ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का कायापलट करने जा रहा है। चार फेज में परिक्रमा मार्ग बनाने और सुविधा विकास पर करीब 237 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा का करीब 150 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान सीमा में आता है। आदि बद्री पर्वत से लेकर गोवर्धन और चार धाम से लेकर सेठ और नोरेरा की यूपी सीमा तक परिक्रमा मार्ग पूरी तरह जर्जर है। ऐसे में यहां सालाना आने वाले करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती है। मामले में अनिल अंबानी, भरतपुर, दीघ, कामा, नगर विधायक, साधु संत और गिरिराज धरण के सेवादार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। परिक्रमा पर गंभीर सीएम राजे ने पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान और अधिकारियों को निर्देश दिए और बीते नवंबर में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का जायजा लेने भेजा। यूनुस खान और अधिकारियों ने डीक से लेकर वृंदावन तक 2 दिन तक जायजा लिया। वहीं मंत्री यूनुस खान और अधिकारियों ने बैठकें भी की, साधु संतों से मुलाकात करने के साथ श्रद्धालुओं से भी चर्चा की और बैठक के बाद परिक्रमा मार्ग के लिए 4 पैकेज तैयार किए। पहले पैकेज में जहां गिरिराज धरण की 7.5 कोस की परिक्रमा मार्ग के 1.5 किलोमीटर के हिस्से में सौंदर्यीकरण और टॉयलेट तैयार किए जाएंगे, वहीं दूसरे पैकेज में ब्रज 84 कोस के 64 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 36 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। तीसरे पैकेज में करीब 1 करोड़ की लागत से नगर में सेऊ से जरखोड़ मंदिर की करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। चौथे और सबसे अहम पैकेज में यूपी सीमा से कोथरा, बहज, डीग, खो, आदि बद्री, बैरोली, धाऊ, केदारनाथ मंदिर, लहेसर से भोजन थाली तक परिक्रमा मार्ग तैयार किया जाएगा। 82 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल परिक्रमा क्षेत्र में पहले पैदल यात्रियों के लिए कच्चा मार्ग बनाया गया था जो खराब हो चुका है। अब सीएम राजे के इस प्रोजेक्ट में रुचि लेने के बाद परिक्रमा मार्ग का कायापलट होने वाला है। मंत्री यूनुस खान की माने तो 1 साल में परिक्रमा मार्ग तैयार कर लिया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक गिरिराज धरण परिक्रमा मार्ग से राज्य सरकार को भी पॉलिटिकल माइलेज जरूर मिलेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।